कई विद्वानों के प्रश्न हैं कि नवरात्र में घट स्थापन कब करना चाहिए, अर्थात नवरात्र का शुभारंभ कब करें और कब न करें। ये जो है गंभीर प्रश्न है। देखिए, कहा गया है कि अमावस्या से युक्त यदि प्रतिपदा हो तो उस दिन घटस्थापन नहीं होगा। दूसरे दिन यदि प्रतिपदा दो है, दूसरे दिन भी है, तो भले ही थोड़ी है, मुहूर्त मात्र भी है, तो उसी दिन ही करे, द्वितीय दिन ही करे। ये निषेध है। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम, भगवती ने स्वयं ही देवी पुराण में कहा है, ये निर्णय सिंधु में लिखे हैं वचन, अमा में अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में मेरी पूजा प्रारंभ नहीं होनी चाहिए, निषेध है। प्रारभ्यम नवरात्रम स्याध्यत्वा चित्राम च वै धृतिम, नवरात्र का प्रारंभ उस समय हो जब चित्रा और वैधृति योग न हो, चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग। ये बड़ी गणित के और योग की बात है कि दोनों ही नवरात्र से पहले, यानी चैत्र और वसंत ऋतु के, वासंती और शारदीय, दोनों ही नवरात्र में प्रारंभ में वैधृति योग और चित्रा नक्षत्र की रहने की संभावना रहती है। तो इनका जब योग हो तो घट स्थापन नहीं करें, ऐसा क्यों नहीं करें? कहते हैं वैधृतौ पुत्र नाशः स्यात्। वैधृति में यदि घट स्थापन होता है, नवरात्र आरंभ होता है, भगवती का पूजन किया जाता है, तो पुत्र नाशः स्यात्। चित्रायाम धन नाशनम, और चित्रा में धन का नाश होता है, इसलिए इस समय घट स्थापन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो कब करें? तो इसके ऊपर जो है बड़ा निर्णय है, धर्मशास्त्रों में इसके ऊपर मुख्य रूप से धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में बड़ा ही जो है शास्त्रार्थ पूर्वक निर्णय दिया गया है कि देखिए, अमायुक्तान कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम, मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयादि गुणान्विता, आद्या षोडश नाडीस्तु लब्ध्वा याः कुरुते नरः कलश स्थापनम तत्र यरिष्टम जायते ध्रुवम। यदि कोई प्रतिपदा की आद्य की 16 नाडियों में, 16 घटियों में यदि कोई स्थापना करता है तो उसका अनिष्ट निश्चित ही हो जाता है। तो न दर्श कलया युक्ता प्रतिपद चंडिकार चने उदय द्विमूर्ता पी ग्राहिया सोदय गामिनी, इस तरीके से बहुत से निषेध प्राप्त हो रहे हैं। चित्रा के वैधृति के योग से तथा अमावस्या के योग से, तो इसमें बतलाया गया है कि यदि प्रातः काल ही इनका योग हो चित्रा और वैधृति का, मध्यान्ह में ये नहीं रह रहे हों, तो फिर मध्यान्ह में देवी का आवाहन स्थापन कर लेना चाहिए। वैसे तो तिथि तत्व देवी पुराणे भी निर्णय सिंधुकार लिख रहे हैं कि तिथि तत्व में और देवी पुराण में भी ये वचन आया है कि भगवती का आवाहन, भगवती का पूजन, भगवती का विसर्जन आदि सभी कार्य प्रातः काल ही होने चाहिए। प्रात रावाहेत देवीं प्रातरेव प्रवेशयेत, प्रातः प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत। ठीक है ना, ये सब कार्य प्रातः काल होना चाहिए।
शरत काले माप पूजा क्रियते या च वार्षिकी, शरत ऋतु में अथवा ये जो है वसंत ऋतु में भगवती का आवाहन, विसर्जन, पूजन, भगवती का प्रवेश, घटस्थापन आदि कृत्य, ये प्रातः ही काल के मुख्य कृत्य हैं। लेकिन प्रातःकाल यदि वैधरती योग हो, प्रातःकाल यदि चित्रा नक्षत्र हो, इस बार ऐसा ही है, तो फिर प्रातःकाल जितने समय तक है उसको निकल जाए आगे करने, ये मुख्य बात है। अब कह रहे हैं कि यदि ये पूरे दिन ही हो, निकले नहीं, सायंकाल तक रहे, इस बार भी ऐसा ही है, वो सायंकाल तक चित्रा और वैद्यती विद्यमान है, तो तब कब घट का स्थापन होना चाहिए? क्या प्रतिपदा को छोड़ दें, फिर तो द्वितीया में ही स्थापित किया जाए भगवती को? अमावस्या को तो सबने त्याग ही दिया है। अमावस्या का सामान्य निर्णय यह है कि जिस दिन अमावस्या से युक्त प्रतिपदा है, प्रतिपदा में अमावस्या मिली है, उस दिन जो है नवरात्र का आरंभ नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्णय है। और चित्रा वैधरती का बतलाया गया है कि ये जब समाप्त हो जाए तब कर लो, और जब पूरे दिन ही हो तो निर्णय देते हैं कि जो है मध्यान्ह काल में कर लिया जाना चाहिए। इसका ये बतलाया गया है कि त्याज्या अंशास्त्रयस्त्वाद्यास्तुरीयांशे तो पूजनम, तीन अंश छोड़ देवे और चौथा पाद यदि आ जाए तब भी आवान स्थापन हो सकता है। और यदि संपूर्णा प्रतिपत्येव चित्रा युक्ता यदा भवेत् वैधृत्या वापि युक्ता स्यात् तदा मध्यं दिने रवौ, यदि संपूर्ण दिन में चित्रा या वैधरती है सुबह से शाम तक, तो सायंकाल को तो देवी का आवाहन होगा नहीं। देवी का आवाहन का घट स्थापन का मुख्य काल प्रातः काल है, प्रातः काल न हो सके तो मध्यान्ह काल गौण काल है। तो कहते हैं कि यदि चित्रा आदि नक्षत्र पूरे दिन व्याप्त हो तो मध्यान्ह काल में कर ले वे अभिजित मुहूर्तम यत् तत्र स्थापन मिष्यते। यदि जो है पूरे दिन हो तो अभिजित मुहूर्त में यानी मध्यान्ह काल में भगवती का स्थापन, घट स्थापन कर लेना चाहिए। ये जो है प्रातरावाये देवीं प्रातरेव प्रवेशयेत् प्रातः प्रातस्य संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत्, इसका गौण काल बतलाया गया है। तो भगवती का ये घट स्थापन किया जाता है, लिखा हुआ है कि नीचे जो है मिट्टी डाल करके उसमें यवांकुर आदि बो करके, यवांकुर जब बोते हैं तो उसमें कई बीजों को मिला लेना चाहिए, ये जो है कई धर्म ग्रंथों का ये लक्ष्य है। सामान्य रूप से लोग केवल जौ बोते हैं, केवल जौ ही नहीं, 7-5 बीजों को, धान्यों को मिला करके बोना चाहिए और उसके ऊपर विधि पूर्वक घट स्थापन करके और उसमें पूर्ण पात्र स्थापित करके, तो घट भी स्वर्ण का, रजत का या मृणमय होना चाहिए। उस पर भगवती का यदि विग्रह बना सकें तो विग्रह हो, महिषासुर मर्दिनी भगवती, 3 पल स्वर्ण का बनाने का लिखा है, और उस पर फिर भगवती का विधिवत पूजन किया जाए। उस कलश पे दोनों पार्श्वों में, दक्षिण और वाम पार्श्व में, चंदन से त्रिशूल बना देना चाहिए। भगवती का विग्रह न हो तो उसी में चित्र आदि रख करके या चित्र बना करके कलश पर, और वहां भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजन में विविध प्रकार हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार, द्विसप्तत्युपचार, शतोपचार और भी राजोपचार आदि बहुत से उपचार हैं जिनसे भगवती का पूजन होता है। आवरण आदि पूजन, पात्रा साधन आदि पूजन, विभिन्न प्रकार के पूजन हैं और न्यास हैं,
जितना जो है संभव हो उस रूप से अधिक भगवती का पूजन करना चाहिए। तो ये घट स्थापन का काल मुख्य रूप से संक्षिप्त में और निर्णय सिंधु के आधार पर गुरुजनों के उपदेशानुसार आप सबके समक्ष रखा गया है, आप इसे जो है श्रवण करें और लाभ लें। हर हर महादेव।